बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में सेल्स के हवाले से पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्कस करने के बाद हम आज की क्लास में परचेजेस के हवाले से पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो परचेज रिकॉर्ड करने की जनरल पॉलिसी क्या है? अब सिस्टम कोई सा भी हो, पीरियोडिक या परपेचुअल, आप इसको समझ सकते हैं। मतलब यानी कि सिर्फ ये एंट्री बनाने के हिसाब से बात हो रही है कि परचेजेस कब रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अब वो परचेज के नाम से डेबिट हो या वो इन्वेंट्री के नाम से डेबिट हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। Purchases should be recorded earlier of receipt of goods or invoice. Purchases should be recorded earlier of receipt of goods or invoice. Purchases जो हैं वो record हो जानी चाहिए। अर्लियर मतलब पहले, जो काम पहले हो जाए, कोई सा भी काम, गुड्स पहले मिल जाए या इनवॉइस पहले मिल जाए, इन दोनों केसेस में आपको परचेज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ये पॉलिसी है, ऐसा होना चाहिए, ये पॉलिसी है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर वही है कि परचेज रिकॉर्ड होती कब है। प्रोसीजर purchases are entered in purchase journal or purchase day book when invoice is received। परचेजेस जो हैं वो परचेज जर्नल में कब एंटर की जाती है? जब इनवॉइस रिसीव होती है। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज जर्नल व्हेन इनवॉइस इज रिसीव्ड। वही प्रोसीजर भाई, अकाउंटेंट को गुड्स परचेज होने की खबर कब लगेगी? जब उसको इनवॉइस मिलेगी, परचेज इनवॉइस मिलेगी, उस परचेज इनवॉइस को वो एंटर करेगा परचेज डे बुक में, यस और नो? ठीक है, बिल्कुल। नाउ अब सिनेरियोस क्या बनते हैं आपके पास? सिनेरियोस क्या बनता है? मुख्तलिफ सिनेरियोस हैं। सिनेरियोस स्टेटस एडजस्टमेंट, सिनेरियो क्या है? नंबर वन, गुड्स एंड इनवॉइस
आर रिसीव्ड, गुड्स भी मिल चुकी हैं, इनवॉइस भी मिल चुकी हैं। तो क्या हुआ जनाब, जरा सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। गुड्स मिल चुकी हैं, इनवॉइस भी मिल चुकी हैं, तो हम तो बोलते हैं दो में से कोई एक भी चीज मिल जाए परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो एज पर पॉलिसी ये परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए, एज पर पॉलिसी ये परचेज है। तो स्टेटस पॉलिसी के मुताबिक स्टेटस तय करना है। स्टेटस जो है वो हमारा ओन्ड है, यानी कि हम इन गुड्स को ओन करते हैं। अब सवाल, क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका है? यस, प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका है। देखें आप कैसे, कि अगर ये गुड्स, इनकी इनवॉइस मिल चुकी है, तो ये इनवॉइस भी परचेज डे बुक में एंटर हो चुकी है, लिहाजा परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है। और गुड्स रिसीव हो गई हैं, तो गुड्स गोडाउन में हैं। अगर गुड्स गोडाउन में हैं, तो ये अगर अनसोल्ड होंगी तो ये फिजिकल काउंटिंग का पार्ट बन चुकी होंगी, यस और नो? तो क्लोथिंग स्टॉक में भी ऑलरेडी शामिल होंगी अगर अनसोल्ड होंगी तो। यहां पर क्या बोलेंगे हम, नो एडजस्टमेंट। इस केस में हमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, यस और नो बोलिए। नंबर टू, गुड्स रिसीव्ड, बट इनवॉइस नॉट रिसीव। गुड्स रिसीव्ड एंड इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। गुड्स रिसीव हो चुकी हैं और इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, अब क्या करें भाई? गुड्स रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव। तो गुड्स रिसीव हो गई हैं, तो एज पर पॉलिसी आपकी परचेज है, स्टेटस आपका क्या है, ओन्ड है, यस और नो? लेकिन इनवॉइस रिसीव ना होने की वजह से आपका प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ और ये एंट्री अब तक परचेज डे बुक में नहीं गई। परचेज डे बुक में नहीं गई तो परचेज का पार्ट नहीं बनी है, यस और नो? तो एडजस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड व्हाट? रिकॉर्ड परचेजेस, परचेज डेबिट कर दो, क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट कर दो, ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। और क्योंकि गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, और क्योंकि गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, तो गोडाउन में तो ऑलरेडी होंगी। जब गोडाउन में ऑलरेडी होंगी तो गिनती का पार्ट भी बन चुकी होंगी और क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली शामिल हो गई होंगी। तो अलग से इनकी क्लोथिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर गुड्स गोडाउन में रिसीव हो चुकी है तो गोडाउन में काउंटिंग का पार्ट बन चुकी होंगी। क्या ख्याल है बेटा, बताइए आप सब लोग, ऐसा है? चले उसके बाद, इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स आर नॉट रिसीव्ड। ऐसी गुड्स जिनकी इनवॉइस आपको मिल चुकी है लेकिन वो गुड्स अब तक आपको रिसीव नहीं हुआ, आपके गोडाउन में नहीं है, अब क्या करें बताइए? अब क्या करना चाहिए? Invoice received but goods are not received yet.
ईयर एंड तक आपको इनवॉइस मिल गई है लेकिन अब तक आपको गुड्स रिसीव नहीं हुई। व्हाट इज द स्टेटस? एज पर पॉलिसी स्टेटस तय होगा बेटा, पॉलिसी के हिसाब से बताइए, एज पर पॉलिसी स्टेटस क्या है? सब लोग देख के बताइए, समझ के बताइए, स्टेटस क्या है? स्टेटस ओन्ड है। ओन्ड क्यों है? देखो जरा सोचो, सेलर के लिहाज से सोचो, सेलर ने गुड डिस्पैच कर दी, गुड्स अब कहां पर है? रास्ते में है। तो रास्ते में है तो रास्ते का रिस्क कौन बेयर कर रहा है? आप बेयर कर रहे हो। तो स्टेटस क्या हुआ? ओन्ड हुआ ना, यस और नो? तो लिखा हुआ क्या है? परचेजेस शुड बी रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और इनवॉइस। परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए इन दो में से जो काम पहले हो जाए, यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स सही है। तो गुड रिसीव हो चुकी है, क्या कहते हैं, इनवॉइस रिसीव हो चुकी है लेकिन अब तक गोडाउन में गुड रिसीव नहीं हुई, सही है? इनवॉइस रिसीव हो चुकी है लेकिन अब तक गोडाउन में गुड रिसीव नहीं हुई। तो एज पर पॉलिसी आपकी परचेज है, ओन्ड है, और इनवॉइस रिसीव होने की वजह से प्रोसीजर भी परफॉर्म हो चुका है, परचेज भी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो एज पर पॉलिसी भी ये परचेज है और एज पर प्रोसीजर भी परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है। जवाब दें। तो अब कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं है लेकिन हमारी परचेज में है। गोडाउन में नहीं है तो गिनती का पार्ट भी नहीं बन सकी क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन है तो ये हमारा स्टॉक ना, और अब तक अनसोल्ड है, रास्ते में। तो वो गुड्स जो रास्ते में हैं, जिनको हम परचेज कर चुके हैं, जो हमारी परचेज में शामिल हो चुके हैं, अगर वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएंगे, हालांकि वो तो रास्ते में, वो तो अनसोल्ड है। अब क्या करना चाहिए बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, क्या करना चाहिए? बेटा रिस्पॉन्स दीजिए, क्या करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में इनको काउंट करना चाहिए? मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास गोडाउन में गिनती में 700 यूनिट आते हैं और 100 यूनिट आपके रास्ते में है, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट को मानना है या 800 यूनिट को मानना है? 800 को। तो आप 800 की एडजस्टमेंट पास करें, लेकिन अगर आप 700 की एडजस्टमेंट पास कर चुके हैं तो फिर आपको 100 की और एडजस्टमेंट पास करनी होगी बतौर क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करेंगे, जी तो लिखा हुआ है, आप सवाल नहीं पढ़ ली ना, मसला ये है। इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स आर नॉट रिसीव, इस लाइन का मतलब क्या है? ईयर एंड के करीब करीब इनवॉइस मिल चुकी है, ये सारी एडजस्टमेंट से बातें हैं ना, तो ये सारी कहानी ईयर एंड की है। मसला ये है कि देखें, जनवरी की इनवॉइस हो गुड्स फरवरी में मिल जाए क्या फर्क पड़ता है, फेब्रुअरी की इनवॉइस और गुड्स मार्च में मिल जाए क्या फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग पीरियड सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनवॉइस इनवॉइस जनरेट हुई है दिसंबर के महीने में, गुड्स आ रही हैं आपके पास जनवरी के महीने में, तो मसला क्या होगा? जब दिसंबर में आप क्लोथिंग स्टॉक की गिनती कर रहे होंगे तो उस गिनती में वो गुड्स शामिल नहीं आ पाएंगी, लेकिन आपकी नॉलेज में होगा हाँ यार इतनी गुड्स हमारी रास्ते में, तो क्योंकि ये गुड्स हमारी परचेज का पार्ट है और अनसोल्ड है, तो जो गुड्स परचेज का पार्ट है और अनसोल्ड है और गोडाउन में आपके पास मौजूद नहीं है, तो उनको आपको अलग से क्लोथिंग स्टॉक की गिनती में शामिल करना है, वरना क्या होगा, क्लोथिंग स्टॉक शॉर्ट हो जाएगा और क्लोथिंग स्टॉक के शॉर्ट होने के बिना पर वो गुड्स जो अनसोल्ड है वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएंगी। अब ये बुनियादी आप सीखें, बराए मेहरबानी।
जवाब दें, रिस्पॉन्स दें प्लीज। सही है, यहां तक बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या है, इधर मैंने केस कौन सा अज्यूम किया, एफओबी शिपिंग पॉइंट, कि सेलर ने गुड शिप कर दी, शिप होने के बाद रास्ते का रिस्क कौन बेयर कर रहा है, बायर, तो बायर के लिए ओन्ड है। जवाब दें, इसको हम ये भी बोल सकते हैं गुड्स आर विद बायर्स ट्रांसपोर्टर, गुड्स जो है बायर के ट्रांसपोर्टर के पास है। गुड्स आर विद बायर्स ट्रांसपोर्टर, जो बायर का ट्रांसपोर्टर है उसके पास गुड्स हैं। सही है, बात समझ में आती है? एक्सेप्शन, वही समझा रहा हूं एक्सेप्शन में जो आप सवाल कर रही हैं। ठीक है जी, एफओबी डेस्टिनेशन, दैट इज गुड्स आर विद सेलर्स ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब सुनेगा बात को जरा, इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स आर नॉट रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव हो चुकी है लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुए, मतलब गुड्स कहां पर है, रास्ते में। ठीक है, केस तो सेम हो गया ना, सेम केस है लेकिन फर्क क्या है, अब रास्ते में है लेकिन पॉलिसी कौन सी है, एफओबी डेस्टिनेशन, यानी गुड्स उस वक्त तक आपकी नहीं है जब तक के आपके दरवाजे तक ना पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी किसने ली है, बायर सेलर ने। तो अब स्टेटस क्या होना चाहिए, और अब एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए,
ठीक है, ये सवाल है मेरा, जवाब दीजिए आप, सोचिए। तो गुड्स इनवॉइस रिसीव बट गुड्स आर नॉट रिसीव, ईयर एंड पर आपके पास गुड्स की इनवॉइस आ गई है लेकिन गुड्स अभी रास्ते में, और गुड्स आपके दरवाजे तक पहुंचाना क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है? स्टेटस ऑन नहीं होगा ना, सही बात, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि रास्ते का रिस्क कौन बेयर कर रहा है? रास्ते का रिस्क कौन बेयर कर रहा है? सेलर बेयर कर रहा है। तो जब रास्ते का रिस्क सेलर बेयर कर रहा है, तो गुड्स सेलर की, सेलर के लिए क्या है, ओन्ड हुई ना, हमारे लिए तो ओन्ड नहीं हुई, ऐसा ही है ना। तो स्टेटस क्या है? नॉट ओन्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, गुड्स आपके गोडाउन में तो नहीं है और आपकी क्लोथिंग स्टॉक की गिनती का पार्ट भी नहीं बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिकली आपके पास नहीं है ना, आपका वो स्टॉक है क्योंकि वो अनसोल्ड है, वो क्योंकि वो क्या है, ओन्ड ही नहीं है आपके लिए। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनवॉइस मिलने की वजह से क्या हो गया, परचेज रिकॉर्ड हो गई है एज पर प्रोसीजर, अब क्या करें? तो जब गुड्स ओन्ड ही नहीं है आपके लिए, तो क्या उस परचेज को रिकॉर्ड होना चाहिए? जवाब दीजिए। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, रिवर्स परचेज, समझे बात को या नहीं? अच्छा, उसके बाद गुड्स आर इन अप्रूवल, गुड्स आर ऑन अप्रूवल, ठीक है जी, गुड्स आर ऑन अप्रूवल, गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव, क्योंकि आपके पास अप्रूवल पे गुड्स आ गई थी, तो गुड्स आपके गोडाउन तक पहुंच गई, लेकिन आप, क्योंकि आपने अब तक कोई अप्रूवल नहीं दी थी, तो अप्रूवल ना मिलने की वजह से क्या हो गया, आपको कोई इनवॉइस इश्यू नहीं हुई, तो गुड्स आपके गोडाउन में, लेकिन अप्रूवल ना मिलने की वजह से आपको, आपको इनवॉइस नहीं मिली। तो यहां पर तो गुड्स आपके पास अप्रूवल पर आई हुई है, गोडाउन में आपकी, आपके गोडाउन में होने के बावजूद भी गुड्स आपकी नहीं है, तो सेलर की है ना, क्योंकि उसने आपके पास सेल्स ऑन अप्रूवल के तहत भेजी है, यस और नो? भाई कल वाला केस लिंक करे ना, सेलर ने गुड्स भेजी है सेल ऑन अप्रूवल पर, आपने अभी तक अप्रूव नहीं की, तो वो तो सेलर की गुड्स हैं, उसके लिए अगर अब तक सोल्ड नहीं है तो आपके लिए परचेज कैसे हुई, यस और नो? तब दो बातें, गुड्स का स्टेटस क्या है, स्टेटस तो क्या है, नॉट ओन्ड है, यस, अगर स्टेटस नॉट ओन्ड है और इनवॉइस नहीं मिली, तो इनवॉइस मिलने ना मिलने की वजह से कोई परचेज भी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, गुड्स कहां पर हैं, आपके गोडाउन में, तो जब आप क्लोथिंग स्टॉक की गिनती कर रहे होगे, उसमें ये गुड्स भी क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, यस और नो? क्या ख्याल है?
अगर आप इन गुड्स को मिलाकर, सुनिएगा, अगर आप इन गुड्स को मिलाकर क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री पास कर चुके हैं, तो फिर उसमें से इतना हिस्सा रिवर्स कर दीजिए जितना हिस्सा गुड्स ऑन अप्रूवल से बिलोंग करता है। और अगर आप क्लोथिंग स्टॉक की गिनती कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई एंट्री पास नहीं की और आप क्लोथिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, तो काउंट करते वक्त या तो इन गुड्स को काउंट ना करें, और अगर ये गुड्स काउंटिंग में शामिल हो गई हैं तो क्या करें, इसमें से वो गुड्स जो आपके पास किसी और से बिलोंग करती हैं, आपकी अपनी नहीं है, अमानत के तौर पर रखी हुई हैं, क्या कर दें, उनको उसमें से माइनस कर दें। और फिर जो आपकी अपनी गुड्स हो उनका आप क्या करें, वैल्यूएशन करें बतौर क्लोथिंग स्टॉक, और उन्हीं से क्या करें, एडजस्टमेंट पास करें। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे डू नॉट काउंट इन क्लोथिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोथिंग स्टॉक में काउंट ही ना करें। इफ काउंटेड देन रिवर्स। ठीक है जी, उसके बाद एक तीसरी चीज है, उसको बोलते हैं गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी, कंसाइनमेंट का भी सेम रिजल्ट है, नॉट ओन्ड नॉट ओन्ड और सेम रिजल्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कंसाइनमेंट क्या होती है, कंसाइनमेंट ये होती है कि आप किसी के एजेंट बन के किसी की गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो गुड्स आपकी नहीं होती, बस खाली आपका उस पर कमीशन होता है। यानी मिसाल के तौर पर देखें, एक तरीका क्या है कि मैं एक जगह से सामान, मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी से चीजें खरीदता हूँ और फिर आगे बेचता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है यूनिलिवर, तो मैं यूनिलिवर कंपनी का डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं कंपनी से सामान खरीदूंगा, वो मेरी परचेज कहलाएंगी, वो मेरी इन्वेंट्री कहलाएंगी, जाहिर सी बात है, और फिर मैं उस इन्वेंट्री को ओन करके आगे बेचूंगा, तो जाहिर सी बात है उस इन्वेंट्री के बिकने पर रिस्क मैं बेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि यूनिलिवर अपना सामान मेरे पास भेजे बिकवाने के लिए, तो जो गुड्स वो भेजे मेरे पास बिकवाने के लिए, मैं उसको ओन ना करूं, वो मेरी इन्वेंट्री ना हो, वो मेरे पास होने के बावजूद भी यूनिलिवर की इन्वेंट्री हो, और फिर जब मैं उसको बेच दूं तो वो सेल मेरी सेल नहीं है, वो यूनिलिवर की सेल है, और उसको बेचकर मैं पैसे यूनिलिवर को भेज दूंगा कि भाई तुम्हारी गुड्स मैंने सेल करवा दी है, तुम्हारी सेल है, और फिर उसमें मेरा हिस्सा क्या होगा, कमीशन होगा, मतलब मैं बतौर एजेंट काम करूंगा। सही है बेटा, तो जब आप बतौर एजेंट काम करते हैं, जो गुड्स आपके पास आती हैं वो आपका स्टॉक नहीं होता, वो किसी और के बिहाफ पर आप सेल कर रहे होते हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अक्सर अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप्स। आप देखते हैं पेट्रोल पंप पीएसओ के हैं, शेल के हैं, टोटल के हैं, पेट्रोल पंप्स देखे होंगे आपने। इन पेट्रोल पंप्स के बड़े मुख्तलिफ मालकान होंगे, उनके अपने अपने नाम होंगे, पंप के मालकान होंगे, लेकिन पंप पर पेट्रोल तो शेल का बिक रहा है ना, तो जो पंप पे सेल कर रहे हैं ना वो शेल के पेट्रोल की सेल कर रहे हैं, जो पंप पे सेल हो रही है वो शेल के पेट्रोल की सेल हो रही है, वो सेल कंपनी की सेल है, वो पंप की सेल नहीं है। अब क्या होगा, पंप को पर लीटर क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा 1 लीटर के हिसाब से, क्या जितनी सेल करोगे उतना आपका कमीशन। तो पंप पर जो पेट्रोल बतौर इन्वेंट्री रखा हुआ है वो असल में पंप वाले की इन्वेंट्री नहीं है, वो शेल की इन्वेंट्री है। तो मैं कह रहा था जो शेल के पंप पे जो इन्वेंट्री रखी हुई है
वो असल में पंप वाले की इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि वो शेल की इन्वेंट्री है। पंप वाला बतौर क्या कहता है कंसाइनमेंट उसको आगे बेच रहा है। तो बात यह है कि जो चीज आप किसी की बेच रहे हैं वो अपना सामान समझ के बेच रहे हैं या किसी और का सामान बेच रहे हैं किसी के बिहाफ पर। तो पर अगर ऐसी इन्वेंट्री आपके गोडाउन में रखी हुई है जो किसी और की इन्वेंट्री है और आप उसके बिहाफ पर उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन आप उस खुद इस इन्वेंट्री को ओन नहीं करते, तो लिहाजा फिर उस इन्वेंट्री को आप अपने क्लोदिंग स्टॉक में शामिल ना होने दें, तो उसका स्टेटस नॉट ओन्ड है। तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बननी चाहिए। अगर वो क्लोदिंग स्टॉक की गिनती में शामिल हो गई है तो उनको उसमें से अलग कर दीजिए प्लीज। तो देखें बेटा, आपके सामने मैंने बहुत सारे सिनेरियोज रख दिए हैं। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट अगर आ जाती है ना एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते इस हवाले से, और वो सिर्फ तुक्के ऊपर चल रहे होते हैं या फिर वो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए होते हैं उसके हिसाब से वो क्या कर रहे होते हैं, जो उनको समझ लग रही होती है वो कर रहे होते हैं। बहरहाल, लेकिन ये सारी टेक्निकल बातें, ये मजाक बातें नहीं है, और प्रैक्टिकल बातें सारी की सारी। इसको आपको प्रैक्टिकल बन के सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपके सामने मैंने पॉलिसी और प्रोसीजर रख दिया है। अब थोड़ी सी बात और करूंगा मैं, जरूरी नहीं इसका क्वेश्चन अलग से आए, ये आपको आगे एरर्स के अंदर भी काम आना है, ठीक है ना? एरर्स के क्वेश्चन होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई यूज आ जाता है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी? नाउ अब उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो कल मैंने आपके सामने सेल्स ऑन अप्रूवल की बात की, यस और नो? सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड Sales should not be recorded unless goods are approved. However, sales is entered in the sales day book or sales journal on an assumption that goods will be approved. If goods pending approval at year end and recorded as sales
तो हम बात करते जनाब, इफ गुड्स आर पेंडिंग अप्रूवल एट ईयर एंड एंड रिकॉर्डेड एट सेल्स देन फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ठीक है जी। नंबर वन सेल्स डेबिट, डेटर क्रेडिट एट सेलिंग प्राइस नंबर टू क्लोथिंग स्टॉक डेबिट परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ये एंट्री किसे बनेगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा आप सब लोग। और इस क्लोथिंग स्टॉक को हम स्टॉक इन ट्रांजिट भी कह सकते हैं ठीक है, स्टॉक इन ट्रांजिट ठीक है। ये एंट्री कौन सिस्टम में और पीरियोडिक में है और परपिचुअल में आप जानते हैं, सेल डेबिट होगी, डेटर क्रेडिट होगा, तो साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सही है ना, ऐसा ही है। बताइए बेटा अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये कल एडजस्टमेंट मैंने कल भी बताई थी आपको, आज दोबारा बता दी कि अगर गुड्स अप्रूवल पे सेल हुई हो और ईयर एंड पे उनकी अप्रूवल पेंडिंग हो और आपने उनको सेल रिकॉर्ड कर दिया हो तो आप सेल रिवर्स करें, और नंबर टू क्योंकि आपका अब तक कोई राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और नंबर टू वो गुड्स फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं है, गोडाउन में नहीं है, तो लिहाजा वो आपकी गिनती का पार्ट नहीं बने, तो उनको अलग से क्लोथिंग स्टॉक कंसिडर कीजिए। एक क्लोथिंग स्टॉक की कोई वैल्यू दी हुई है आपको जो फिजिकल अकाउंट से आई है, तो उसमें स्टॉक इन स्टॉक ऑन अप्रूवल की भी क्या करें क्या कहते हैं गुड्स को शामिल कर दें ठीक है। ये सारी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को, जवाब दीजिए अच्छा। उसके बाद अब आखिरी इसमें बात क्या करने जा रहा हूं, अप्रूवल अप्रूवल जो है ये थोड़ी लीगल बात लॉ वाली बात हो जाएगी ना, अप्रूवल जो है वर्बल भी हो सकती है, यानी आपको फोन करके बता दिया भाई मैंने गुड्स एक्सेप्ट की, आपको लेटर लिख के बोल दिया मैंने गुड्स एक्सेप्ट की ठीक है, आपको ईमेल कर दी बोला मैंने गुड एक्सेप्ट की, आपको मैसेज कर दिया बोला मैंने गुड एक्सेप्ट की, ये तो वर्बल हो गए ना अप्रूवल। लेकिन लॉ की सबसे खास बात क्या होती है, उसमें एक कहानी होती है इम्प्लाइड, बगैर कुछ बोले भी एक्सेप्टेंस हो गई, तो जिसको आपने गुड्स बेची हैं उसकी तरफ से इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस कैसे होगी, तो उसमें एक केस होगा बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपने कहा था भाई कि मैंने गुड्स आपको दी हैं 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देना, अगर 30 दिन में अप्रूवल नहीं दी तो फिर मैं ये समझूंगा आपने गुड्स अप्रूव कर ली, तो आपका 30 दिन में अगर जवाब नहीं आया रिटर्न, अगर आपने 30 दिन में गुड्स वापस नहीं की तो वो गुड्स अप्रूव मानी जाएंगी ठीक है, टाइम लैप्स हो गया।
तो अगर ईयर एंड पर गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजी थी और वो उसका टाइम लैप्स हो चुका है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अप्रूव मानी जाएंगी। ठीक है, सही है बेटा। उसके बाद बाय सेल, अगर आपकी भेजी हुई गुड उसने किसी अगली पार्टी को बेच दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भेजी हुई गुड्स अगर उसने किसी अगली पार्टी को बेच दी है, तो मतलब क्या हुआ? बेचने का मतलब ये हुआ ना कि उसने आपकी गुड्स अपनी समझ के अगर लिए आगे बेच दी, अपनी इन्वेंट्री मानते, तब भी गुड्स क्या हो गई? तो उसका कंडक्ट ये होगा बाय कंडक्ट, उसके अमल से दिख रहा है कि उसने गुड्स क्या कर दी, अप्रूव कर दी बाय सेल या बाय कंडक्ट, ये सारा कंडक्ट में आएगा। अच्छा जी, बाय ड्रॉइंग्स, जो गुड्स आपने उसको दी थी उसने वो गुड्स क्या कर दी, ड्रॉइंग करके वो अपने घर पे ले गया। तो अगर वो अपनी इन्वेंट्री में से ड्रॉइंग करके गया, तो उसने अपनी इन्वेंट्री माना ना उसको, तो उसका ड्रॉइंग कर लेना क्या है, आपके लिए अप्रूवल है। उसका अमल बता रहा है कि हाँ भाई उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली। नंबर थ्री, बाय प्लेज, प्लेज उसने आपकी जो भेजी हुई गुड्स थी अप्रूवल वाली, उसको गिरवी रखकर आगे से कर्जा ले लिया। तो भाई गिरवी अपनी चीज रखी जाती है ना, किसी और की चीज थोड़ी रखी जाती है। तो उसने गिरवी अगर रखवा दिया आपकी भेजी हुई चीज को, तो उसका तो उसने अपना समझ के रखा, करते हैं गिरवी रखवाया ना, तो इसका मतलब क्या, उसका गिरवी रखवाना क्या है, इस बात का सबूत है कि उसने आपकी भेजी हुई गुड्स को अप्रूव कर दिया। तो ये सारी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, यस और नो। और जो मुझसे लॉ के हवाले सवाल कर रहे हैं, बट वो बाद में सवाल करें, अभी नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने टेक्निकल बातें भी बहुत सारी की हैं, थ्योरेटिकल बातें भी की हैं, इन बातों को याद रखना सबसे बड़ी बात है, और जब सिनेरियो सामने आए तो उस सिनेरियो पे अप्लाई करना उससे बड़ी बात है। ठीक है, तो अब आप इन्वेंट्री का सवाल उठाएं, प्रैक्टिस करें, कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताएं, मैं कल की क्लास में जो हमारा एरर्स का टॉपिक रह गया है ना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट खुद एक सिनेरियो है ना, तो उसमें सिनेरियो लिखा हुआ था ना, उसकी एंट्री पास करनी होती है आपको, तो एंट्री खुद एक सिनेरियो है। जब आप समझेंगे कहानी क्या था, उसके हिसाब से आप एंट्री बनाएंगे ना। सिनेरियो का मतलब ही नहीं कि थ्योरेटिकली आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं, सिनेरियो समझ कर उसके एडजस्टमेंट बनाना। ठीक है, तो फिर मैं कल इंशाल्लाह एरर्स के ऊपर बात शुरू करूंगा, और ये एरर्स आपका लास्ट एक टॉपिक है, मैंने पार्टनरशिप करवा दिया, मैंने सबूत करवा दिया, और ये एरर का टॉपिक होते फिर ओवरऑल हम पर डे क्या करेंगे, एक टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम की तरफ मूव कर जाएंगे। जी बिल्कुल, थ्योरी आती है और थ्योरी में भी करवाऊंगा आपको, थ्योरेटिकल पॉइंट्स करवाऊंगा, पहले एरर्स करवा दूं फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ओके। रोजाना एक ही सवाल होता है फिजिकल क्लास का, मैंने क्या कहा था कि पहले ये मुझे कवर करने है। फिजिकल क्लास 15 से होंगी ना, तो 15 से पहले आप यहाँ तक क्या करें, इसको 15 तक इसको कवर करें, जो भी होता है उसके बाद 15 के बाद डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।